परेशानी करके वो ना पहुंच सके संते हुण पहुंच चुके ने। आओ ज्ञानी सुखविंदर सिंह जी अपने जथे समेत हाजिरी भरनगे। सारिया संगतां ने इस तरह सुरतियां नूं एकागर कर गुरु महाराज साहब जी के पवित्र बचन पवित्र बाणी का जाप सरवण करना है, बेनती प्रवान करनी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। वाहे गुरु, गगन दमामा बजयो परयो निशान घाव, खेत जो मांडयो सूरमा बाजत ढोल मृदंग नगारा, बाजत ढोल मृदंग नगारा, बाजत ढोल
ढोल मृदंग नगारा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा तालियो पंग बेण बंकारा तालियो पंग बेण बंकारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत दंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ओंकार श्री वाहेगुरु जी की फतह श्री मुख वाक पातशाही दसवीं मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा ताले उपंग बेण बंकारा ताले उपंग बेण बंकारा ताले उपंग बेण बंकारा ताले उपंग बेण बंकारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत नगारा बाजत पीर भयानक हुए तन पाए जय पीर भयानक हुए तन पाए जय पीर भयानक हुए तन पहाय जय पीर भयानक हुए तन पाय जय पीर भयानक हुए तन पाय जय पीर भयानक हुए तन पाय जय महा सुपट जूझे तैठामा बाजत जूझे तैठामा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा ताले उपंग बेण बंकारा मुरली नाद नफीरी बाजे मुरली नाद नफीरी बाजे मुरली नाद नफीरी बा मुरली नाद नफीरी बा पीर भयानक हुए तज पाजय पीर भयानक हुए तन पाजय मुरली नाद नफीरी बाजय मुरली नाद नफीरी मुरली नाद नफीरी बाजय मुरली नाद नफीरी बाजय पीर भयानक हुए तज पाजय पीर भयानक हुए तन पाजय बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत दंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ताले उपंग बे
बेण बंकारा ताले उपंग बेण बंकारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा महासुभट जूझे तैठामा महासुभट जूझे तैठामा महासुभट जूझे तैठामा महासुभट जूझे तैठामा घर पर परी इंद्र के तामा घर पर परी इंद्र के तामा बैरक बाण गगन गयो छाई 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 उठे कटा सावन जन आई 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 बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत दंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा ताल उपंग बेण बंकारा मुरली नाद नफीरी वाजे पीर भयानक हुए तज भाजय महासुभट जुझे तै ठामा परी इंद्र के थमा बैरक बाण गगन गयो छाई उठे कटा सावन जन आई जी बाजत ढोल मृदंग नगारा ढोल नगारे बाजे तुरही ढोल नगारे बाजे तुरही ढोल नगारे बाजे तुरही ढोल नगारे बाजे भांत जोधा रण गाजय पांत पांत जोधा रण गाजय टड टड डंबर डुग डुगी खानी टाडे डफ डमरू डुग डुगी कनी टाडे डफ डमरू डुग डुगी कनी टाडे डफ डम डुग डुगी कनी नायन फिरी जात ना गनी नायन फिरी जात ना गनी बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत
बाजत ढोल मृदंग नगारा बाजत ढोल बाजत ढोल बाजत ढोल मृदंग नगारा आ झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे महागाजे गाजे महागाजे गाजे गाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग कागड़दंग काती कटारी कड़ाकंग तागड़दंग तीरंग तुपंग तड़ाकंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे कागड़दंग काती कटारी कड़ाकंग तागड़दंग तीरंग तुपंग तड़ाकंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे कागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे सागड़दंग सुरंग कागड़दंग कोपंग जी सागड़दंग सुरंग कागड़दंग कोपंग पागड़दंग परम रणंग पाव रूपंग पागड़दंग परम रणंग पाव रूपंग सागड़दंग शस्त्रंग झागड़दंग झारे सागड़दंग शस्त्रंग झागड़दंग झारे बागड़दंग बीरंग डागड़दंग डकार बागड़दंग बीरंग डागड़दंग डकार बागड़दंग बीरंग डागड़दंग डकार झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग बाजे झागड़दंग नागड़दंग बागड़दंग गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गागड़दंग गाजी गागड़दंग गाजी गागड़दंग गाजी महागाजे गाजे गाजे बाजत ढोल मृदंग नगारा ताल अपंग बेण बंकारा मुरली नाद नफीरी बाजे भीड़ भयानक हुए तज भाजे
महास बट जूझे तह ठामा खरबर परी इंद्र के थामा बैरक बाण गगन गयो छाई उठे कटा सावन जन आई। तन तन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह जी दी महाराज दी पावन हजूरी अंदर विराजमान गुरु की साध संगत जी सतगुरु जी पातशाह महाराज दी बख्शी पावन फतेह गज के गजाओ ते आख वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। मन बहुत प्रसन्न हुंदा है जदों सतगुरु जी पातशाह महाराज ऐसा अवसर बख्शते ने समा बख्शते ने भी जिथे गुरु के प्यारे गुरबाणी नाल इन्ना प्रेम करते ने ते नाल ही बाणे नाल जिहड़ा प्रेम करते ने उन्हां सिख संगतां खालसे दे दर्शन करके मन बहुत प्रसन्न हुंदा है। सतगुरु जी पातशाह महाराज की अपार बख्शिश जो कि यह उद्यम उपराला बख्शिया सतगुरु जी पातशाह महाराज ने जो कि अज का यह पावन दरबार जिहड़ा चलता है क्योंकि जिहड़ी सिखी है सतगुरु जी पातशाह महाराज ने बहुत बख्शिश की है बहुत डूंगी है यदि कोई खोज जिहड़ी है यदि कोई तय जिहड़ी है लभ नहीं सकता कि है ही नहीं अंत तो उस चीज़ का कोई लभ सकता ना जिहदा अंत कोई होवे जिहदा अंत है ही नहीं उन्हें कोई लभ नहीं सकता। सतगुरु जी पातशाह महाराज की पावन बेअंत बाणी सतगुरु जी महाराज अज जो ये पावन दरबार दसवें दरबार सजाउण दी सतगुरु जी पातशाह महाराज की छत्र छाया हेठ ये जो पावन दरबार चल रहे ने सब तो पहला तो सतगुरु जी पातशाह महाराज का कोटान कोट शुक्र धन्यवाद कि सतगुरु जी पातशाह महाराज ने यह अवसर बख्शिया संगत कराई सतगुरु जी पातशाह महाराज ने सतगुरों का धन्यवाद कोटान कोट शुक्र धन्यवाद पातशाह ने बख्शिश बख्शी। सतगुरु जी पातशाह महाराज के चरणों असी बेनती सिर्फ यही करनी है कि सतगुरु जी पातशाह महाराज जिस रहत नु मुख करके सतगुरु जी पातशाह महाराज जिहड़ी रहत तुसी बख्श के सतगुरु जी महाराज जिहड़ी गुरमत जिन्हों असी आखते हैं गुरमत बख्श के सतगुरु जी पातशाह महाराज जी तुसी साध संगत नु खालसे नु गुरु ग्रंथ साहिब जी पातशाह महाराज की स्थापना करद्या होया गुरगद्दी बख्शद्या होया सतगुरु जी पातशाह महाराज ने जिहड़ी वागडोर संगत नु दित्ती सीगी सतगुरु जी पातशाह महाराज कृपा करन ही अरदास करदे सतगुरु जी जैसा आप जी ने चलाउणा करना है सतगुरु जी पातशाह महाराज तैसा चलाओ। अज कल समा जिहड़ा है वह किंतु परंतु का बहुत है बहुत ज़्यादा हुण भी कई इसे ही गमी च कई तो गुस्से च भी बैठे होणगे भी दसवें पातशाह की बाणी क्यों पढ़ते हैं। एक तो होंगी है ना विचार किसी नाल नहीं मिलनी जे अगला कहिंदा चल उहदी विचार होर है मेरी होर है एक तो किसी दूसरे वाल देख के घिरना करनी तो गुस्सा करना इतों तक कि मारन तुलना इतने तक कि धमकियां देनियां बड़ा कुछ होंदा आ किन्ना नूं जिहड़े दसवें पातशाह महाराज की बाणी नाल प्रेम करते हैं पातशाह की बाणी जिहड़ी है वह सुननी चाहते हैं क्योंकि सतगुरु पातशाह महाराज का खजाना है ही ऐसा सतगुरु पातशाह महाराज ने बख्शिया जी असी नहीं पढ़ांगे सुणांगे तो होर कौन सुनेगा ये दात जिहड़ी है ये खालसे नूं सतगुरु पातशाह महाराज ने बख्शी है सारी दुनिया नूं बख्शी है तो जे असी इहदे ते किंतु करांगे तो असी इह तों पिछे हटांगे तो सतगुरु जी पातशाह महाराज जिहड़ा काम कारज सानूं सौंप के दे सी गए सीगे असी उस चीज़ लई बेईमान होवांगे फिर जे असी अपना करतव पूरा ना करांगे। I'm just going to say a few words in English as well because I was asked to and because there was a mixed sangat that I see before me so that's why I felt appropriate to maybe start
the vichar in Punjabi and in English as well. And I personally think myself that Guru Sangat is so chardi klang clever that they really understand both languages and don't really need to kind of switch. But here we are, that today the climate that we actually live in, there's very few people who do what Guru Maharaj asks them to do and not ask any questions. We have come a long way. We have come a long way from how things used to be. If we look at the moment when we all know the Sakhi and Guru Gobind Singh Ji Patshah Maharaj stood out there and he asked for a head. When he asked for a head, the Sangs never actually questioned Maharaj and said, Guru Maharaj, fair enough. Fair enough, you're asking for a head, and I'm ready to give it as well, but can you just explain a little bit more? I need a little bit more. Because as you understand, giving my life, my head, is probably something that's most dear to me, that is life. Before I give you my life, can you just, you know, slightly explain? If you can explain to me, then I'm yours anyway. There was no question asked such as that. The Gorsakhs got up and offered their head to Guru Patshah because they trusted Guru Gobind Singh Ji Patshah Maharaj. They trusted Guru Patshah Maharaj that whatever Guru Maharaj is doing, saying, is the truth. There's a good reason behind what Guru Maharaj is saying. It's not my place here to ask for further instructions. What do I need, Guru Patshah Maharaj? That's all very well, you're asking for heads, but just a bit of explanation why. And, you know, maybe just make us understand, because that's not how things work. If Maharaj wanted to, he could have done a whole katha lecture of this is what's going to happen, this is what I'm going to do, I'm going to ask for heads, then this is what I'm going to do, I'm going to take the heads, and then I'm going to put them back together, this is what's going to go on. So here we go then. Prosa. Prosa faith is what Atharam is based upon. And Prosa, not just anyone, but on Guru Patshah Maharaj and Gurbani as well. Those Gorsakhs who've been living and breathing the same Gurbani for hundreds of years, it's the same Bani that we doubt today. And it's unfortunate to see that. To put it in perspective, right, just imagine somebody coming to you and saying, and I say this because I fear this probably will happen, and it has, not will happen, but has happened in the past, where people have questioned Guru Granth Sahib Ji Patshah Maharaj's Bani, where people have questioned Bhagat Bani that is within Guru Granth Sahib Ji Patshah Maharaj. Those people have always been around. Can you imagine somebody coming to us and saying, excuse me, you can read all the Shabds from Guru Granth Sahib Ji, but not the Bhagat ones, because they don't belong to our Guru Maharaj, never wrote those Shabds. Can you imagine somebody who said that to us now? What would we say to them? What would we say to them? We probably would think, he or she is a murak, idiots, stupid. Don't they understand what they're saying to me? How can they say that? How can they ask me to differentiate between the Bani that is done Sri Guru Granth Sahib Ji Patshah Maharaj? How can people do that? We'll call them stupid, and we won't probably won't listen to anything they have to say from that point, and we'll go our own way. When it comes to our Dasam Patshah Maharaj's Bani, we'll stand there and we'll listen to those people. We show interest and we say, actually, you know what, you have got a point. It's so sad to sometimes see. Rather than try and understand Guru Patshah Maharaj's Bani, the purpose behind it, our first inkling is to doubt the Bani, to doubt the message that is contained within it. Now, I know most of people sitting here, otherwise they wouldn't be here if they didn't believe in Guru Patshah Maharaj's Bhavana Bani. So there's no point preaching to the converted already, but there'll be other people listening.
And the only thing I could do is do an ardas to Guru Pashman, because we don't have much summer really, because there's so much you can actually go into. But one thing I would do is do an ardas to Guru Pashman Maharaj. That Guru Pashman Maharaj, whereas you kept us on the path, do your ardas that those people that doubt your bani, Sadhguru Pashman Maharaj, do bakshish like you have done on us, do bakshish on them as well. Sadhguru Pashman Maharaj, teri bani padke. जे असी अपना जीवन सफल करते हैं तो बाकी दे भी करन. जस्ट डू अरदास फॉर दोज पीपल. वी नॉट हेयर टू पिक फाइट्स विद एनीवन. दैट हैज नेवर बीन द केस. दैट हैज नेवर बीन द इशू विद पीपल हु बिलीव इन गुरु पाशा महाराज की वाणी टू गो आउट देयर एंड फाइट, बिकॉज़ वी डोंट हैव एनीथिंग टू प्रूव टू नो वन. जस्ट लाइक हाउ यू बिलीव इन योर फादर, दैट योर फादर इज योर फादर, एंड समबडी सेज व्हाटएवर दे वांट टू से, वी डोंट फील इट्स नेसेसरी फॉर अस टू गो आउट देयर एंड प्रूव दैट. Sat Sri Akal. We don't feel it's necessary for us to do that. If we do that, then we take away from our father. We're not here to do that. Just hear that. That's why Guru Pashman Maharaj asked for a head. No questions asked. If you have faith in Vaheguru. So Sadhguruji Pashman Maharaj, Pavan Bakshish, and the beautiful bani that Sadhguruji Pashman Maharaj has blessed us with to give us all that we need. When we had the sant spirit, we have the saint soldier spirit at the same time. And Sadhguruji Pashman Maharaj has given us the tools to do that. And the tools are contained within the Guru Pashman Maharaj's Pavan Bani. And we're here to do Ustat of Akal Purakh Vaheguru. We're not here to do Ustad of anyone else. We're here to do Ustad of Sadhguruji Pashman Maharaj and his Bani. So we're going to just, we don't have much time left. So we're just going to do a Shabd Nirjur Naroop Ho, Ke Sundar Saroop Ho, Ke Poopan Ke Poop Ho, Ke Data Mahadaan Ho Sadhguruji Pashman Maharaj Pavan Shabd A Padke Samapati Kariye. निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, निर्जुर निरूप हो सुंदर स्वरूप हो, के पुपन के फूप हो, के दाता महादान हो, के पुपन के फूप हो, के दाता महादान हो, निर्जुर निरूप सुंदर स्वरूप हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, के पुपन के भूप हो, के दाता महादान हो, पुपन के दाता महादान हो, निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो, निर्जुर निरूप हो सुंदर स्वरूप हो, प्राण के बचाई दूध पूत के दीवैया, प्राण के बचैया दूध पूत के दीवैया, रोग
ਸੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਕਿ ਦੋ ਮਾਨੀ ਮਹਾ ਮਨ ਹੋ ਸੋਗ ਸੋਗ ਕੇ ਮਿਟਈਆ ਮਾਨੀ ਮਨ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਵਿਦਿਆ ਕੇ ਬੇ चार हो के अद्वै अवतार हो विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो सिद्धता की सूरत हो कि शुद्धता की शान हो जो बन के जाल हो के काल हूँ के काल हो जो बन के जाल जो बन के सुंदर स्वरूप हो के भुवन के भूप हो हे दाता महादान हो के भुवन के भूप हो के दाता महादान हो निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो निर्जल निरूप हो सुंदर सुंदर स्वरूप हो निर्जल निरूप हो के सुंदर दाता महादान हो जुर न रूप हो के सुंदर स्वरूप हो निर्जुर न रूप हो निर्जुर निर्जुर न रूप हो निर्जुर रूप हो के सुंदर स्वरूप हां इतनी की सेवा प्रवान करनी सतगुरु जी पातशाह महाराज जी पावन दरबार दी हाजरियां पढ़दियां कीर्तन करदियां हुईयां बेअंत भुलां दी सतगुरु जी पातशाह महाराज गुरु की संगत बख्शण जोग माफी बख्शनी अगे वास्ते आशीर्वाद देना
कि सतगुरु जी पातशाह महाराज अपना कीर्तन करना आ जाए, सतगुरु जी पातशाह महाराज बख्शिश करन। आओ फतेह बुलाइए, वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सत्कारयोग सत्संग जी, आ समुचियां सिख संगतां दा और दसम दरबार जथे दे सेवादारां वल्लों भाई सुखविंदर सिंह जी हुणा दे जथे दा बहुत बहुत धन्नवाद है, जिन्हां ने पहला शब्द नागड़दंग बागड़दंग नगारे बाजे ते दूसरा निर्जुर निरूप हो के सुंदर स्वरूप हो असीं अकाल उस्तत विच सरवण कीता है। गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी बाणी बाणी जिहड़ी अलाही बाणी है, बड़े बड़े संतां महापुरशां ने बड़ी चंगी तरह रिसर्च कीती, घोख कीती कि दसम पातशाह जी दी ये बाणी ठीक महाराज दी है, ते हर किसे संत महापुरश ने अपनी मोहर लाई कि ठीक। दास द सेंट्रल गुरुद्वारा खालसा जथा सेंट्रल लंडन वैस्टफील्ड के नेड़े गुरुद्वारे साहब तो आया है, उत्थे दास सेवा करता है। तो अपनी हडबीती दास सुनावा, संत तेजा सिंह जी बड़ू साहब वाले उन्होंने महापुरखों के सदका वो इतिहासक गुरद्वारा जड़ा है 100 साल तो उपर सदियों तो उपर हो चुकया है। तो गुरु केसवारे दास उत्थे सेवा कर रहा सी, तनाड फैमिली आ गई तो मन दे विच चाह होया कि चलीए इन्हां नूं प्रशादा छकाइए किते कोई कमी ना रह जाए। बड़े प्यार नाल उन्हां नूं प्रशादा छकाया, थकिया काफ़ी सी, ते प्रशादा छकाउण तों बाद वो चले गए ते मैं लंगर विच ढोला के पै गया। ध्यान नाल सुनण वाला बचन जे गुरु के सवारियो, जे असीं गुरु ग्रंथ साहिब जी की पवित्र बाणी की सेहत लै करके हिरदे विच धार के दसम पातशाह जी की पवित्र मुखारबिंद बाणी नूं ये निश्चा करिए कि ठीक गुरु गोबिंद सिंह पातशाह जी भी बाणी है तो है। गुरु के सवारियो दास की अख लग गई, तो उस तो बाद दो चार गरीबड़े सिख आए, तो दास आलसी होया सी ते ढो ला के पिया, तो होर सेवादार से उन्होंने आवाज़ मार के कहा कि इन्हों लंगर पा दो। बाद अख लग गई, अख लगी तो इक्के दम ही बड़ी बिरद आवाज विच दास नू ये आवाज़ आई कि जो धनवान लखै निज सेवक ताही परोस प्रसाद जिमावै, जो धनहीन लखै तेह देत न मंगत जात मुखों न दवावै। इक्के दम त्रप के उठ खड़िया महापुरख संत बाबा तेजा सिंह दी तस्वीर दास दे अखां दे सामने दास ने अनुभव कीती। अर्थ सी मैनू समझा रहे सन, ठोकर मार रहे सन दसम पातशाह जी दी पावन बाणी दे इस शब्द नाल 33 सवाइयां दे विच ए शब्द आ। कह रहे सी कि भाई जदों तनाड फैमिली आई ते बड़े अगे पिछे भज्जिया फिरदा सां, वो गरीबड़े आ गए ते उन्हां लई कह दिता कि सेवादार नूं आवाज़ दे दित्ती कि तू लंगर पा दे। दसम पातशाह जी की बाणी ऐसी पावरफुल ऐसी शक्ति वाली है कि किसी भी संत महापुरश को तुसी उन्हां दियां किताबां पढ़ लो, उन्हां दी जीवनी विचार लो। कई संतां महापुरशां का जीवन ही प्रचार है। गुरु के सवारियो दसम पातशाह जी की बाणी उन्हां दे रो अंग अंग विच रोम रोम विच वसी पई है, इसलिए निश्चा जड़ा है गुरबाणी ते जरूर करना है। इस निश्चय लई मोहरां लाउण वास्ते अज गुरु के प्यारे आप सारियां संगतां वल्लों पराला कीता गया है दसम दरबार। सो दास बेनती करेगा कि हुण रागी दविंदर सिंह जी पंथ दे महान कीर्तनी जथे दविंदर सिंह जी शांत वह पहुँचे, उस तो पहले एक दास बेनती कर देवे कि अज सारा लाइव प्रोग्राम जिन्ना चिर प्रोग्राम चलेगा सिख चैनल वल्लों वो लाइव दिखाया जा रहा है, तो दास इस गल की वडियाई करेगा। तरना दल श्री बाबा बकाला साहब का हैड ग्रंथी होने के नाते कि दास ने कदे उत्थे इन्हां बारे सोचा नहीं सी, पर सुनिया बहुत सी कि जदों सुनना उत्थे दल पंथ दे विच घोड़ियां ते चढ़िया पुछना जी अज सिख चैनल वाले जिहड़ा है जिथे रौला पिया है किसी डेरेदार दा किसी गुरबाणी दे सगम आगम ते हर थां ते पहुँच करके
सिख चैनल ने गुरु के सवारियों सच नू उभारिया है। अज भी इस महान सेवा नू ओ गुरु किया सिख संगतां तक दूर दूर तक बैठे जेडे गुरु दरबार विच पहुँच नहीं सकते उन्हां तक पहुँचा रहे ने। इन्हां दा दास बहुत बहुत जत्थे वल्लों धन्नवादी है। तो मैं बेनती करदा सारिया संगतां नू इस सेवा जिहड़ी है आप संगतां दे सारे सहयोग नाल ही ये गुरमुख प्यारे करदे ने। तो जितना भी हो सके धन पदार्थ वजो जैसी इस चैनल नू पूरी सपोर्ट करके रखिए। इस पूरे वर्ल्ड विच गुरु के सवारियो असी सिखी धर्म का प्रचार हर एक धर्म हर एक दीन मजहब दे विच असी अपना प्रचार जिहड़ा है इस गुरु ग्रंथ साहिब जी के पावन सांझे उपदेश नू पहुँचा सकते हैं। इसलिए दास बेनती है करता है कि सिख चैनल वालियां दा बड़ा धन्यवाद आ। ते गुरु के सवारे वध तों वध धन पदार्थ राही जितना हो सके ध्यान इस चैनल वधता जावे। सो आओ हुण रागी दविंदर सिंह जी शांत ओ 9:40 तक 10:15 तक की एक घंटा कीर्तन की हाजिरी भरनगे। सारिया संगतां ने सरवण कर लाह प्राप्त करना है। बेनती प्रवान वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत नाम सीधी साहिब जियो साहिब जियो चक्र चिन्ह अर बरन जात
अर पात नहिन जे रूप रंग अर रेख पेख को कह न सकत के अचल मूरत अनुपम प्रकाश अचल मूरत अनुपम प्रकाश हम तो ज कही जाए कोट इंद्र इंद्राण शाही शाहान गणी जय त्रिपावन महीप सुर नर असुर नेत्र नेत बन तृण कहत तव सर्वनाम कथे कवन कर्म नाम बरनत सुमत कौ सर्वनाम कथे कवन बरन बरत नाम बरनत सुमत सर्वत संतां इस पावन दरबार अंदर इंग्लैंड दे विच मेरे ख्याल दे नाल पहली बार दसम दरबार कलगीधर पिता सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी दी बाणी जिसका कीर्तन बड़े विशेष तौर पर रखिया है क्योंकि सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज जिन्होंने अपनी बाणी दे विच केवल उस अकाल पुरख की उस्तत की जदों जाप साहब पढ़ीदा है तो इतना आनंद आउंदा है कि उस परमेश्वर की उस्तत इतनी वड्याई करनी और एक एक लफज जेड़ा है वह परमेश्वर नाल जोड़दा है वो आप अकाल पुरख परमेश्वर दा रूप सन ते हन। किसे शायर ने एक गल कही वो करके फिर मैं शब्द श्रवण करांगा और श्रवण करावांगा। गुरु जी बड़े मर्दे मर्द खुदा थे बड़े आब्दो जायद बड़े पारसा थे गनी थे नबी थे बड़े मुक्तदा थे कुर्बानी की मर्ज के वो आला दवा थे गनी थे गाजी थे शेरे गदा थे देखने को गुरु गोबिंद सिंह लेकिन जहरे खुदा थे वो खुदा दा रूप खुदा दे विच जुड़ के खुदा दी उपमा करदा है ते की कहिंदा है कि तू सबना दे विच वसिया है तू सब कुछ आप ही कर रहा है सारे संसार नू चला रहा है ते उस दे अंदर विचर भी रहा है तू दुश्मन नू मारन वाला है तू दुश्मना नू दंड देन वाला है सब कुछ तू है। ऐसे सतगुरु दी बाणी आओ सारे रल मिल के गायन करिए पावन शब्द कवित तौ प्रसाद सतगुरु साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज। जो
युद्ध के जितैया युद्ध के जितैया युद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मिटैया नाथ तीन लोक गाई है युद्ध के जितैया युद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मिटैया नाथ तीन लोक गाई है युद्ध के जितैया युद्ध के जितैया रंग भूम के पवैया पार भूम के मिटैया नाथ तीन लोक गाई है युद्ध के जितैया काहू के तनैया है न मैया जाके भैया काहू के तनैया है न मैया जाके भैया पूछो नी हो एक छैया छोड़ का सुप्रीत लाई है कोछो नी हो एक छैया छोड़ का सुप्रीत लाई है जो